मैथ्यू 22:23 तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन सदूकी और जो कहते हैं कि मरे हुए को पुनर्तन की नहीं, उसके पास आए और उसके पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान पर मर जाए तो उसका भाई उसके पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। हम हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपने पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे और भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अंत वो जी उठने पर वह उन 7 में से किसी की पत्नी होगी, क्योंकि वह सबसे सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इसी कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वह न विवाह करेंगी और न विवाह में दिए जाएगा, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुआ। प्रभु यीशु का नाम से आपको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा काम किया है। पिछला 9 महीना परमेश्वर हमको हांग की पुतली जैसा संभाल के 10वां महीना में परमेश्वर हमको लेके आया है। ये परमेश्वर का कृपा है, हम नाश नहीं हुआ है, परमेश्वर का कृपा है। हर सुबह का समय, हर भोर हम देखते हैं, हर दिन हम अनुभव करते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। ये जगह पे हम देखते हैं, ये जगह जो 23 से हम पढ़ते हैं, पुनर्तान और विवाह, ये जगह पे सदूकी नहीं तो परिसी, ये लोग सदूकी लोग, ये लोग पुनर्तान को विश्वास नहीं करते था, लेकिन यीशु के पास सवाल पूछने के लिए ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। पुनर्तान में ऐसा एक बहन थी, वो पहला शादी किया, उसका भाई वो संतान बिना मर गए, फिर उसका भाई शादी किया, एक शादी किया, 2 शादी किया, 7 शादी किया, लास्ट में सब भी मर गया। फिर मैरिज में वो हेवन में किसी का वो वाइफ रहेगा, किसी का वो वाइफ रहेगी, ऐसा जो है क्वेश्चन यीशु को फंसाने के लिए पूछा था। यीशु ने क्या किसी में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारा जैसा नहीं है। हमको तो हमारा दिमाग जो है बहुत छोटा है, हमारा अनुभव बहुत छोटा है, हम बहुत कम अनुभव वाला है, हम जो बाइबल जानते हैं वो भी बहुत कम है, और बहुत हमारा हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, हमारा समझने का बुद्धि भी बहुत कम है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर महान है। वो स्वर्ग में था और पृथ्वी में आया था, उसके पास ये लोग ऐसा सवाल पूछा था, स्वर्ग में कैसा रहेगा। ये सुने ऐसा एकदम क्लियर बोला है, स्वर्ग में ऐसा शादी विधि नहीं है भाई, स्वर्ग में एक अलग प्रकार होगा, ऐसा करके उसने ऐसा बोला था। वहां कोई कोई शादी नहीं है, वो एक अलग प्रकार लोग रहेंगे, स्वर्ग दूध जैसा रहेंगे, वहां शादी नहीं होगा, वहां विवाह नहीं है, वहां किसी का पत्नी है किसी का पति है, ऐसा नहीं होगा। वो समझ लेंगे, वो देख लेंगे, लेकिन हम समझते हैं, हम जो सोचते हैं इसी प्रकार नहीं रहेगा करके एक अलग प्रकार के आंसर प्रभु ने दिया है। देख के सुन के लोग आश्चर्य हो गया, अचंभित हो गया, वो लोग चकित हो गया है। इसी प्रकार का एक जवाब प्रभु यीशु देंगे करके वो लोग सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड आंसर ऐसा उसने दे दिया है। इसके वजह से लोग बहुत चकित हो गया, बहुत आश्चर्य हो गया। ऐसा ही परमेश्वर इसी प्रकार बहुत बार यीशु मसीह ने ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह का हर एक चमत्कार देके लोग अचंभित हो जाता था। क्या है तू लाजरस का कब्रिस्तान में खड़ा हो के सब बात करता, तू सड़ के मर के 3 दिन होने के बाद में भी लाजरस ऐसा नाम लेके बुलाया तो आ गया। लोग यीशु मसीह जो दुनिया में था, जो कुछ भी वो चमत्कार करता था, लोग अचंभित हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार इसके पहला भी लोग ऐसा सुना होगा,
लेकिन यीशु जो चमत्कार किया है वो उससे बढ़कर बहुत आश्चर्य जो है प्रभु ने किया है, बहुत आश्चर्य काम किया है। इसलिए लोग बोला है हमारा बीच में तो एक महा नबी जो है हमारे बीच में आ गया है करके लोग ऐसा ही बोला है हमको। फिर हम आज वो नहीं देखते, आज हम यही देखने वाले हैं यीशु मसीह का संदेश। नहीं तो यीशु मसीह का उपदेश सुन के लोग कभी 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 अचंभित हुआ है, कभी चकित हो गया है, कभी ऐसा लोग ऐसा बात नहीं करता था, ऐसा देखते रह गया, भूत देखते रह गया, ऐसा कुछ संभव बाइबल से कुछ चीजों का हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चीज तो हम तो देख लिया है यीशु मसीह ने ऐसा विवाह के बारे में, पुनर्थान के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में, जब उसने परमेश्वर का वचन के बारे में ऐसा एक जवाब उसने दे दिया है, स्वर्ग में ऐसा शादी विवाह नहीं होते, तभी लोग आश्चर्य हुआ है। दूसरा एक जगह पे हम देखते हैं, सेकंड हम देखते हैं मैथ्यू का सातवां अध्याय का उसका 29 ऐसे आते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5, 5, 6, 7 उसमें प्रभु परमेश्वर ने तो बहुत बड़ा 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 जो है अच्छा अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया है। उसमें धन्य का वचन जो है प्रभु ने बोला है, तो ये ऐसा ऐसा करेगा तो वो धन्य है, ऐसा करके उसने बोला है शत्रु के ऊपर कैसा प्रेम करना है करके बोला है, आपको कैसा परमेश्वर ने बुलाया उसके बारे में प्रभु परमेश्वर ने ऐसा बोला है, क्रोध करेगा तो क्या होगा, वो हत्या में कैसा जो है ले जाएंगे, उसके उसका परमेश्वर ने ऐसा बोला है विचार के बारे में सबने बात किया, सिर्फ विभचार करना नहीं है और सब बुरे नजर से देखेगा तो भी प्रभु ने वो भी बात किया, तलाक के बारे में बात किया, परमेश्वर ने प्रार्थना के विषय में बात किया, दान के विषय में बात किया, किसी प्रकार उपवास करना उससे उसका विषय में प्रभु ने बात किया, प्रभु परमेश्वर बहुत सारा चीज जो है वो जगह पे जो है प्रभु परमेश्वर ने उस जगह पे मैथ्यू 5, 6, 7 वो तीनों अध्याय में परमेश्वर ने बात किया, लोग सुनते रहा, लोग पहला परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गया, अच्छा जगह पे प्रभु ने लेके गया, एक पहाड़ के एकदम छाया में लेके गया, बात किया बात किया बात किया बात किया, वो बात का सुन के यीशु मसीह का उपदेश सुन के लोग जो है ऐसा अच्छा मिल हो गया, बहुत देखते रह गया, बहुत आश्चर्य हो गया इसे, क्योंकि उसकी क्या पहला कोई भी इसी प्रकार बात नहीं किया, स्वर्ग के बाद इतना जो है खुला कोई बात नहीं किया, एकदम प्रभु यीशु मसीह का मैसेज टोटली जो है एकदम अलग प्रकार था। प्रभु यीशु ने बोला है तुम्हारा विचार मेरा विचार नहीं है, तुम्हारा संदेश मेरा संदेश नहीं है भाई, मेरा संदेश अलग संदेश है, तुम्हारा संदेश अलग संदेश है, तुम्हारा संदेश ही दुनिया के बेस्ट में रहेगा, मेरा संदेश सब स्वर्ग के बेस्ट में रहेगा, जिसने मुझे भेजा है उसी का जो है मैं बात करता हूँ। उसका पहला भी बहुत सारा लोग आया था, बहुत सारा लोग प्रचार करता था, लेकिन लोगों को जो अच्छा लगता था इस सब पीछे करता था, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है, मुझे जो किसने भेजा था वो उसने जो बोला है उसने जो करने के लिए बताया है वही मैं करूंगा वही मैं बोलूंगा ऐसा ही उसने किया है, इसलिए लोगों को आश्चर्य लगता था। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बात मैथ्यू 5, 6, 7 तीनों अध्याय में परमेश्वर ने बात किया, वो देख के लोग अचंभित हो गया। दूसरे एक जगह पे हम देखते हैं मैथ्यू का सॉरी मार्क का पहला अध्याय में हम देखते हैं 22 का वचन में यीशु मसीह अतिकार से ऐसा एकदम जोर से अतिकार से उसने प्रीचिंग किया है। उसका पहला भी सदूसी लोग जो है प्रीचिंग करता था, फरीसी लोग प्रीचिंग करता था, न्यायाधीश जो है वो लोग जो है प्रीचिंग करता था, वो बहुत सारे लोग जो है प्रीचिंग किया होगा, याजक लोग प्रीचिंग किया होगा, राजा लोग प्रीचिंग किया होगा, नहीं तो मंत्री लोग प्रीचिंग किया होगा, हेरोद जैसा लोग प्रीचिंग किया होगा, लेकिन जीसस जब प्रीचिंग किया, यीशु मसीह जब उपदेश किया, यीशु मसीह जब प्रचार किया है, वो प्रचार बाकी लोगों का प्रचार जैसा नहीं है, वो प्रचार में ताकत था, वो प्रचार में अधिकार था, क्योंकि सारे अधिकार उसका हाथ में, आकाश में और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है, उसने ऐसा बोला, उसने बोला तो जो है मछली जाल में फंसे, ऐसा बोला तो मछली फंसेगा, उसी का वचन में अधिकार है। जब यीशु मसीह जब भी मुंह खोल के कुछ भी बोलते हैं, वो जब ये एक पावर उसका मुंह से रिलीज हो जाता था, वो प्रभाव पावर वो सामर्थ जो है क्रिएटिव पावर को जो है खड़ा करता था, वो उसका मुंह से जब वचन निकलता है
तुरंत वो चीज बन जाता था, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता था। लाजरस कब्रस्तान में था, वो लाजरस का अंदर वो जीवन उसके अंदर चला जाता था। वो आंधी तूफान को देख के जीसस ने ऐसा अधिकार के साथ बोला है, एकदम शांत हो जाओ। यीशु का मुंह से निकला था वो शांत हो जाओ वो शब्द, वो तुरंत आंधी तूफान को बंद करा दिया। एक सामर्थ उसका मुंह से निकला। ये पतरस जब पानी में डूब रहा था, यीशु मसीह ने हाथ को लंबा किया, तुरंत जो है सामर्थ जो है निकल गया। यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से, हर एक शब्दों से, हर एक चीजों से सामर्थ निकल जाता था। इसलिए यीशु अधिकार के साथ बोला है, यीशु मसीह के पास सारे अधिकार है। मनुष्य के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है, सारे शैतान के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है, सारे नेचुरल प्रकृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, सारे चीजों के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। इसलिए उसका वचन भी अधिकार से परमेश्वर बोलता था। बाकी लोग जो बाइबल नहीं तो स्क्रिप्चर वो सारे चीजों को लेके आता था, इसे पढ़ के ऐसा चला जाता था, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसका मालिक था, उसका बारे में सारे चीज लिखा हुआ है, जो कुछ भी बन गया है सारे चीज उसके द्वारा उसके लिए बना हुआ है। इसलिए वो उसको पूरा अधिकार है उसके। जब यीशु मसीह कभी भी बात करते हैं उसका वही तो कृपा से बात करेंगे, एकदम लोग टूटा हुआ लोगों को तसल्ली देंगे, लेकिन कुछ जगह पे परमेश्वर अधिकार से भी प्रभु परमेश्वर बात करते हैं। हमारे ये जगह पे प्रभु ऐसा बात किया, लोग ऐसा देखते रह गया। इसके पहला कोई इसी प्रकार प्रचार नहीं किया, एक अलग प्रकार प्रभु यीशु प्रचार करते हैं करके उसका देखने लगा। दूसरे जगह पे हम देखते हैं, दूसरा जगह पे मार्क एक का अध्याय 27 वचन में हम देखते हैं, अशुद्ध आत्मा को देके वो आज्ञा दिया है, वो तुरंत जो हसुद आत्मा चला गया। प्रभु यीशु एकदम उसके पहला कोई जो हसुद आत्मा को ऐसा आज्ञा नहीं देता था, हसुद आत्मा को हटाता नहीं था, दुष्ट आत्मा को जाओ करके नहीं बोलता था। लेकिन यीशु जब दुष्ट आत्मा को देखते दुष्ट आत्मा को देखते वो डांटता था। यीशु ने बोला है, मैं तो शैतान का कामों को नाश करने के लिए आया करके बोला है। यीशु मसीह कभी भी कोई भी जगह पे शैतान का कामों को देखता था, तुरंत उसका काम जो हो जाता था। एक जगह पे यीशु मसीह जब गनेसरेत में गया, वो उधर उतरने से पहला बोट में था, तभी उसने बोल दिया था उधर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, गेट आउट करके ऐसा बोल दिया होगा। इसलिए वो किनारे में पहुंचा तो वो दौड़ के आके परमेश्वर का पुत्र आपका मेरा हमारा आपका क्या है करके वो जो है चिल्लाने लगा। वो परमेश्वर जो है कभी भी परमेश्वर कोई भी जगह पे दुष्ट आत्मा का कामों को देखते हैं, हमारे जैसा आंख बंद करके अमन जाएगा नहीं। यीशु जो है वो जहां को दुष्ट आत्मा को सबको क्लियर कर लेता था, दुष्ट आत्मा को भगा देता था, दुष्ट आत्मा को कामों को नाश करता था, वो प्रभु यीशु मसीह का था। वो उपदेश को देखे, दुष्ट आत्मा को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था उसका अधिकार से प्रभु परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला, उसको देखे लोग अचंभित हो गया, बहुत आश्चर्य हुआ है। दूसरा एक जगह पे जो है यीशु मसीह का उपदेश सुन के लोग आश्चर्य हुआ है, वो उसको हम देख सकते हैं। मैथ्यू का 19 का अध्याय 25 में हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति एक पैसा वाला एक धनवान जो है यीशु के पास आया, यीशु के पास आके प्रभु हम आनंद जीवन पाना चाहते हैं ऐसा बोला, तो जो है यीशु बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हो गया। प्रभु यीशु ने बोला ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसने बोला था मैं ये सब करता हूँ, ये तो पहले से जो है करते आता हूँ, मैं तो जब मेरा बचपन से करते आता हूँ ऐसा उसने बोला है। तुरंत यीशु मसीह ने एक चीज बोला है, ये सब तुम्हारा जो है धन संपत्ति को सबको बेच के तुम मेरे पीछे हो जाओ करके बोलते हैं। कभी कभी लोग हम प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु परमेश्वर को बोलते हैं मैं तो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ वो करता हूँ ये करता हूँ। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं तभी बोलते हम तो 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ 7 घंटा प्रार्थना करता हूँ, हम तो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, हमको भी थोड़ा चक्कर जैसा आ जाते हैं, ये कैसा हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इसी प्रकार प्रेयर करेगा नहीं तो इसी प्रकार प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु यीशु के साथ वो बैठेगा, वो कुछ नहीं करेगा तो भी बैठेगा, उसका जीवन ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा खराब जो है संकति में वो फंसेगा नहीं, खराब चीज वो नहीं करेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं हम बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना करता तो उसका रिजल्ट क्या है, कैसा उसका लाइफ कैसा रहता है वो जो है बताएगा, आप कितना जो है प्रभु के साथ आप बैठा था करके वो बताएगा। कभी कभी लोग जो है दिखाता नहीं है, चुपचाप रहते हैं, चुपचाप शांति से बैठते हैं, कुछ बताता नहीं, हम इतना घंटा प्रार्थना करता हूँ उतना घंटा प्रार्थना करता हूँ मैं वो किया ये किया कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन प्रभु के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। आपको लोग देखे नहीं देखे आप आपके मार्ग में आप चलते रहो, आप यीशु के साथ आपके रिश्ता
को जो है हमेशा बनाते जाओ। आप लोगों को दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु आपका हृदय को जानता है। यीशु मसीह का एक ऐसा एक नाम है, उस गुप्त चीजों को देखने वाला परमेश्वर है, गुप्तों में आपके रूम के अंदर, नहीं तो कोई भी लोग नहीं देखते हैं। तभी यीशु के लिए आप जो गीत गाते हैं वो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। आपको ऊंचा करें ना करें वो तो प्रभु का काम है, लेकिन आपका गीत परमेश्वर को बहुत पसंद आया है। आपने जो प्रयास किया है, तो आपने जो उपवास किया, आपने किसी को भी कुछ बताया नहीं है, आप गुप्त में प्रभु के लिए जो प्रयास किया है वो सारे चीजों को प्रभु ने नोट करके रखा है, वो किसी को आप प्रभु बताएगा भी नहीं है, लेकिन हवन में आपके लिए परमेश्वर बहुत बड़ा जो है इनाम परमेश्वर रखेगा, क्योंकि आपने किसी के लिए नहीं किया है। आप कोई व्यक्ति मुझे शाबाश करके बोलना है ऐसा आपने किया है, आपने यीशु के लिए किया है। यीशु भी वो सारे चीजों को बताएगा नहीं है, सही समय आएगा तभी जो है प्रभु परमेश्वर सारे चीजों को करेगा। शायद एक दुनिया में प्रभु आपको प्रकट नहीं करेगा, गुप्त में रखेगा। कैसा जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, पागल के सामने जो है अपने घुटने जो है झुका नहीं है, 7,000 लोगों को प्रभु परमेश्वर ने रखा था। एलिय्याह को मालूम था हम अकेला है, एलिय्याह ने ऐसा सोचा था मैं ही अकेला हूं, दूसरा कोई नहीं है करके एलिय्याह सोचा था। पास्टर ऐसा सोचेंगे, अमन हमारे जैसा लोग ऐसा सोचेंगे हम अकेला है, लेकिन प्रभु परमेश्वर बोलते हैं और 7,000 लोगों को मैं रखा, भाई तुम्हारा जैसा नहीं है, मैं तुम्हारा जैसा नहीं है, मैं किसी को भी बताया नहीं है, मैं ऐसा गुप्त सीक्रेट में जो है कुछ लोगों को बना के मैंने रखा है, ऐसा करके प्रभु परमेश्वर बोलते हैं। प्रभु परमेश्वर एलिय्याह को भी ऐसे बोला था, एलिय्याह को ऐसा था मैं अकेला हूं, इसलिए वो निराश होता था, उसको प्रभु ने बताया नहीं था और 7,000 लोगों को मैं तैयार करके रखा है। ऐसे हमारा देश में भी, हमारा जगह पे में भी परमेश्वर कुछ लोगों को प्रभु तैयार करके रखते हैं, उसमें आप एक, आप भी एक है, उसको भी, आपको भी परमेश्वर ऐसा तैयार करके आपको रखा है। प्रभु बताएगा नहीं, प्रभु परमेश्वर सब जब समय आएगा तभी बताएंगे। जब अंतिम समय में लास्ट डेज में जो परमेश्वर का जो काम होना है वो समय में प्रभु परमेश्वर आपको बाहर लेके आएंगे, तब तक आप चुपचाप शांति से आप आपके स्थान पे रहना है। प्रभु परमेश्वर ये जगह पे हम देखते हैं लास्ट में हम पढ़ा है, वो पैसा वाला जो है यीशु के पास आया, यीशु के पास आके यीशु के पास ऐसा पूछने लगा मुझे और क्या कमी है। यीशु ने बोला और एक ही कमी है, एक काम करो, आप आपके धन संपत्ति सारी चीजों को बेच दो, गरीब को बांट दो, सबको दे दो, मेरे पीछे हाथ जाओ। तुम तुम्हारा परमेश्वर आपको देखे ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम तारे सारे चीजों को बेच के मेरे पीछे आओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। जब शुरुआत में अर्ली चर्च शुरुआत का जो कलीसिया है, जब वो यीशु प्रभु परमेश्वर में आया, लोग ऐसा करने लगा, यीशु मसीह तो बोला था मैं जल्दी आने वाला है, वो लोग ऐसा सोचा था अभी जल्दी आने वाला है, एक दो दिन में आ जाएंगे, नहीं तो एक साल में आ जाएंगे। बहुत सीरियस उसने ले लिया, अपने घर बीर को सबको बेच दिया, जमीन को बेच दिया, सारे पैसा को लेके आया, प्रेरितों को पैरों में लेके आया सब लोग एक साथ होके प्रभु डेली जो है गीत गाते रहा। वो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है उसका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम उसको आया, लेकिन परमेश्वर को हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर कुछ रास्ता तो उसके लिए खोल के रखा था, परमेश्वर ने किया। लेकिन आपको प्रभु ऐसा नहीं बोलते हैं तुम सारे चीजों को छोड़ के जो है सबको बेच दो, बेच के जो है तुम गंगाल बन जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर एक चीज में जो है आपको कितना प्रभु का नजीक में जाएंगे, प्रभु परमेश्वर एक चीज में बहुत ध्यान रखेंगे, आपके भरोसा सिर्फ उसके ऊपर रहना चाहिए, आपका 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 विश्वास सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए, आपका जो कुछ भी चाहिए आप उसके पास मांगना चाहिए, उसके पास आप जाना चाहिए, इसमें प्रभु बहुत ध्यान रखेंगे। परमेश्वर देखेगा आपको जरूरत तो पड़ेगा, आपको जरूरत तो लोग बोलेंगे, प्रभु प्रॉमिस करेंगे मैं तुमको मदद करेगा करके, लेकिन वो समय में आपका हृदय उसका ऊपर जाए जाता है, नहीं तो यीशु को पकड़ के रहता है, नहीं तो आप यीशु को जाके बताते हैं, नहीं कि वो व्यक्ति के पास आप जाके बताते हैं, वो उसको प्रभु देखते हैं, परमेश्वर वो देखते हैं। जब हम इंसान के ऊपर हम हमारा भरोसा रखेगा प्रभु को, प्रभु जो है हमारा ऊपर प्रसन्न रहता है, हम उसका बच्चा तो है, हम प्रभु का मार्ग में तो चलते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कितना होना चाहिए उतना में जो हम नहीं रहते। परमेश्वर चाहते हैं हम पूरा का पूरा उसका ही रहे, हम पूरा का पूरा हमारा छोटा है, छोटा हो बड़ा हो सारे चीजों में हमारा भरोसा उसके ऊपर है, यही परमेश्वर का जो है इच्छा है, हमारा सहायता। इसलिए भक्त दाऊद ने ऐसा बोला है, हमारा मेरा सहायता आने वाला पर्वतों की और मेरा नजर को उठा के रखूंगा। शायद जो है दाऊद के लाइफ में तो बहुत सारा राजा लोग उसका मदद करने के लिए तैयार था, बहुत सारा लोग उसका एक नजर पे जो है काम करने के लिए, बहुत सारा सेवक लोग उसके लिए तैयार था, दाऊद के लिए
लिए अपने जीवन देने के लिए भी बहुत सारा सेनाधिपति लोग था, और योब जैसा बनया जैसा लोग था, उसका चारों तरफ लोग अच्छा चल सूरवीर लोग था, लेकिन दाऊद ने जब जरूरत पड़ता था, जब तकलीफ आता था, जब परेशान आता था, जब मुश्किल आता था, परमेश्वर के ऊपर अपने झंझट को रखता था, परमेश्वर यहोवा को परमेश्वर यहोवा प्रभु परमेश्वर को पास वो पूछता था, प्रभु परमेश्वर में क्या करना चाहिए, मैं सिकलग में जाऊं, मैं जाऊं वो जाएगा तो आप देंगे, ऐसा प्रभु के पास वो जाता, जाके वो सब इंक्वायरी करता था, पूछता था, पूछपरछ करता था। एक बार उसने उसको विजय मिल गया, तुरंत जो है चलो भाई हम अब इस बार में भी मैं जाऊंगा करके उसने पुराना एक्सपीरियंस के ऊपर, पुराना अनुभव के ऊपर उसने जो है निर्णय नहीं लेता था, हर समय में उसने अपने अनुभव को छोड़ के यीशु के पास, प्रभु परमेश्वर के पास, प्रभु के पास आके पूछता था मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं क्या अभी क्या करूं करके, प्रभु हर बार उसको नया नया टेक्निक जो बताता था। प्रभु परमेश्वर आज भी आपके साथ मेरे साथ प्रभु परमेश्वर इसी प्रकार हमारा साथ कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम खुद हमारा मार्ग हम तैयार करेंगे, हम हमारे मार्ग को हम तैयार कर लेंगे, नहीं तो हम पसंद कर लेंगे, प्रभु हमारा लाइफ में कुछ बोल नहीं पाएंगे। प्रभु परमेश्वर एकदम शांत हो जाएगा, मेरा लड़का तो जो है निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, चलो उसका जो है जाना दो, ऐसा करके वो शांत हो जाएंगे। जब हम प्रभु के पास जाके प्रभु का मार्ग को हम इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे प्रभु किससे पूछेंगे, सलाह पूछेंगे, तभी प्रभु परमेश्वर हमको सलाह देने के लिए प्रभु परमेश्वर बहुत आनंद परमेश्वर जो है देने के लिए तैयार भी है। इसलिए प्रभु नीति वचन में इसी प्रकार आएगा, 3:5 ऐसा लगता है उसमें इसी प्रकार आएगा, आपके हर एक मार्ग में उसका याद करो, उसको स्मरण करो, आप जो अपने ज्ञान बुद्धि में नहीं है उसको हर एक मार्ग में उसको स्मरण करो, तभी उसके तुम्हारा मार्ग को परमेश्वर सीधा करेगा, तुम्हारा मार्ग सफल होगा, जो कुछ भी काम करेंगे उसमें सक्सेस को परमेश्वर देंगे, प्रभु का इच्छा जो है पृथ्वी में भी पूरा होगा। चलो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा साथ बात करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर स्वर के पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका हाथ में सारे बातों को सौंपते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं है परंतु परमेश्वर आपके मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से वो जीवित रहते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी कृपा हमारा हर एक जीवन में उतर के आए आज भी परमेश्वर, आप हमारा साथ बात करने के लिए, हम लोग के साथ बात करने के लिए आप तड़प रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारा बिना जरा सा भी थोड़ा समय भी आप हमको छोड़ के नहीं रह पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इतना परमेश्वर आप हमको प्रेम करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रेम का गहराई को ऊंचाई को परमेश्वर हम जान सकें, परमेश्वर हमको कृपा दे दो परमेश्वर। पिछले दिनों में, पिछला सालों में, पिछला महीना में प्रभु हम लोग कितना आपके नजीक में था, उससे ज्यादा आने वाला दिनों में रहें, परमेश्वर हमको कृपा दे दो परमेश्वर। हम हर दिन प्रभु प्रभु आपके वचन याकूब के पत्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का नजीक में जाओ आपके नजीक में वहां आएगा, इसे परमेश्वर हर दिन हम लोग प्रभु आपके नजीक में आने के लिए प्रभु हमको कृपा देना है। आज का वचन में हम लोग सिखा था परमेश्वर, आपके प्रचार आपके उपदेश लोगों को अचंभित करा दिया, इसे परमेश्वर आज भी प्रभु आप हमारा साथ बात करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज भी हम बाइबल को साथ आपके साथ बाइबल के साथ आपके पास हम बैठते हैं, तभी प्रभु आप आश्चर्य कर लेते हैं परमेश्वर, नया नया चीज हमको सिखाते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपको चरणों में हम आते हैं परमेश्वर, सारे बातों को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारा नहीं प्रभु हमारा नहीं, आपके नाम की महिमा हो जाए, यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।